हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, एक सुंदर समय सुनहरा अवसर दिया है परमेश्वर ने मेरे प्रियजनों। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी धन्यवाद देंगे। ठीक है, वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, जो हम सभी को हर एक दिन दिखाता है, रात दिखाता है, प्यारे से मीठी सी पिता ने सभी को रात दिखाई है। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से बिछड़ गए होंगे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, जो मर गए होंगे मेरे प्रियजनों, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे बहुत दूर चले गए होंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगा निगुड़ता रहता है मेरे प्रियजनों, वे उस स्थान पर चले गए होंगे मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर हम सभी को इस संसार से चुन लिया है। पिता ने इस संसार से चुन के अलग कर दिया है, नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है परमेश्वर ने, अनंत काल का जीवन दिया है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने हम सभी को अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है मेरे प्रियजनों। वो इतना महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो उसने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गए, उसको 49 कोड़े लगवाए गए मेरे प्रियजनों। उन 49 कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों उसका मांस तक खींच कर चला आता था उन कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों। इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे लिए ले लिया। क्यों? क्योंकि जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारा परमेश्वर। ठीक है, हम सभी से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान दे दी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे प्रियजनों, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए मेरे प्रियजनों। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी तो मसीह हमारे लिए मरा मेरे प्रियजनों, है ना। हम सभी को विश्वास करना है मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, यदि आप बीमारियों से घिर चुके हैं, कोई आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आज आपको जिंदा परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। आज आपको यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकताएँ हैं। आज आपको यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकताएँ हैं, यीशु मसीह से बोलने की आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है, उसको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। वही अल्फा ओमेगा आदि और अंत है मेरे प्रियजनों। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उसी के द्वारा हम सभी स्वर्ग पहुंच सकते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही वह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह वह जीवन का रास्ता है, जीवन की सीढ़ी है, जिस पर हम विश्वास करने के जरिए हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, उसको छोड़कर कोई और परमेश्वर दूजा नहीं है मेरे प्रियजनों। वही अल्फा ओमेगा आदि और अंत है, पिछला पहला वही है मेरे प्रियजनों। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे और पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान पिता, आप दयालु हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता यीशु पापा, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है सूरजा। इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे मेरे पापा, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से,
पिता, वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थानों पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता, हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, इस संसार से चुना है, नाम लेके बुलाया। पिता आपने कहा, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है पिता। आपने कहा है, आपने कहा मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा मेरे पिता। आपने कहा है, मेरे पिता आपने कहा जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर अगुवाई करूंगा मेरे पिता। आपने कहा है, यस हालेलुया हालेलुया। पिता आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं, खास दूर से विनती करते हैं मेरे पिता, उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता जो बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े पिता, रो रहे, बिलग रहे, चिल्ला रहे पिता, अपनी खाट आंसुओं से भिगोते अपनी बीमारियों को लेकर पिता, तमाम इलाज करा चुके पिता, फिर भी उन्हें नहीं चंगाई मिल रही, नहीं छूट रहे, नहीं आजाद हो पा रहे। यीशु मसीह हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता आपके नाम से पिता ये चंगे हो जाए, आज़ादी को रिसीव कर जाए यीशु मसीह के नाम से, आज़ादी को रिसीव करने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता हम आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे स्वामी। इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनकी बीमारियों को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को यीशु मसीह आप दूर करें पिता, आप जड़ से खत्म करने लगे परमेश्वर, नष्ट कर दीजिए, वे नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, इनके जीवन में घोषणा करते हैं ये आजाद होने पाए, ये रिलीज कर देते हैं चंगाई से पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 में पिता आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते, महिमा हुआ खुदा जी आपकी यीशु पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपये पर पिता, जो 1000 रुपये पर पिता, अन्य जातियों से उधार ले नहीं पिता, किसी से उधार ले रहे पिता, ये उधर उधर उधार ना ले नहीं पाए राजा मेरे पिता, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए हैं मेरे प्रभु। आप इनका जीवन संभालिए मेरे पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वह टूट सकता है, वह बिखर सकता है। मेरे पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और कटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे स्वामी हम चाहते मेरे पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए पिता, गरीबी दूर हो जाए पिता, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने लिए बन जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके हाथ मांगने नहीं मेरे राजा। हम चाहते हैं यहोवा जुलाओ मेरे पिता, इनके हाथ पिता इनके देने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं, जिन घरों में दुष्ट आत्माओं के बंधन है पिता, लड़ाई झगड़े के बंधन है पिता, कर्ज के बंधन, शराब के बंधन है यीशु मसीह, हम चाहते हैं कर्ज शराब के बंधन, लड़ाई झगड़े के बंधन टूट जाए, जल जाए, मैं जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। सतलम सतलम सतलम, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, ईश्वर आपकी महिमा करते, तारीफ करते, पिता आपके पवित्र अंजलों का, पवित्र दूतों का बड़ा बने यीशु मसीह के नाम से। आजाद नहीं पाए, आज़ादी को रिलीज कर देते हैं, आज़ादी को रिलीज कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते, मेरे स्वामी आपकी महिमा करते, बड़ाई करते मेरे पिता। छू ले पवित्र आत्मा जी, आजाद नहीं पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते जो मसीह में रात में नहीं सो पाते प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है प्रभु, जब लेटे मेरे स्वामी तब सुख की नींद आने पाए। आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी पिता। मुझे आशा है, विश्वास है प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पांव नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।